अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल हमारी ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर है सेल का, ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर है सेल का, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। फ्लूइड फिल्ड होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। आपने एक चीज नोट की है कि आपने जिस भी ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ा है उसमें आपने सबसे पहला पॉइंट यही पढ़ा है कि उसके साइड पे कोई मेम्ब्रेन है या नहीं। अगर है तो वो डबल मेम्ब्रेन है या सिंगल मेम्ब्रेन है। पढ़ के आए हो ना आप पीछे, आपने लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ा, वो सिंगल मेम्ब्रेन थी। आपने गोल्जी ऑपरेटस के बारे में पढ़ा, आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा, वो डबल मेम्ब्रेन थी। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, वो भी डबल मेम्ब्रेन थी। तो यहाँ आपसे बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से सेल ऑर्गेनेलिस के साइड पे मेम्ब्रेन होती है और कौन सी नहीं होती, और अगर जिनके होती है तो किसके डबल होती है और किसके सिंगल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे मेम्ब्रेन के बारे में पूछा जा सकता है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि वैक्यूल्स जो हैं वो फ्लूइड फिल्ड होते हैं और उनके दर साइड पे एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। और क्या पढ़ेंगे इसके बारे में कि सेल जो होते हैं, सेल के अंदर बहुत छोटे 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 वैक्यूल्स होते हैं जो उसके साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक सेल है, इसके अंदर, ठीक है, एक सेल है, उसके अंदर छोटे 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 वैक्यूल्स होते हैं। ये इसकी बाकी ऑर्गेनेल है। होते कहाँ है? साइटोप्लाज्म के अंदर। ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये वैक्यूल्स, इज इट क्लियर? ये आपके सामने सेल है, ये देखें, इसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज हैं। नॉन ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर भी, ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर भी हैं। ये जो यहाँ पे पाए जाएंगे ना साइटोप्लाज्म के अंदर, वो हमारे होंगे वैक्यूल्स। ये वाली इमेज में वैसे वैक्यूल्स को प्रेजेंट नहीं किया हुआ, लेकिन होगा ऐसा ही, ठीक है। हाउएवर, व्हेन अ प्लांट सेल मेच्योर्स इट्स स्मॉल वैक्यूल्स एब्जॉर्ब वाटर। जब प्लांट सेल मेच्योर हो जाता है तो वैक्यूल उसका पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इन सेंटर। और फिर वो इकट्ठे होके पानी एब्जॉर्ब करके एक बड़ा वैक्यूल बना लेते हैं, सिंगल वैक्यूल दरमियान में। सेल इन दिस स्टेट बिकम्स टर्जिड। इस तब सेल क्या हो जाता है? टर्जिड हो जाता है। मेनी सेल टेक इन मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल एंड देन डाइजेस्ट द मटेरियल विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स। मैंने आपसे अभी 2 मिनट पहले यही बात की थी कि अभी जो आप नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे वो सारे आपस में रिलेट कर रहे होंगे। लाइसोसोम में मैंने आपको कहा था ना कि इसको छोड़ दें, बस ये जो आपको मैंने टारगेट मटीरियल बताया, डाइजेस्टिव एंजाइम बताया, मैंने कहा था इसको सिर्फ याद करें। यहाँ पे वो बात हुई है। क्या बात हुई है कि जो सेल के अंदर मटेरियल आएगा फ्रॉम आउटसाइड या फिर इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल, उसको क्या होगा, डाइजेस्ट करना है उस मटेरियल को। किसने? लाइजोसोम्स ने, ठीक है। वैक्यूल किसको कहा है हमने? फूड के, उस जो फूड हमारे पास आई है, राइट। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडीज। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास, सम नॉट ऑल, जो यूज करते हैं क्या, वैक्यूल को, किस लिए? फॉर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होता है? एलिमिनेट करना होता है किसी चीज को, बाहर निकालना। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी। इसका फंक्शन क्या हुआ फिर? ये
वेस्ट को बॉडी से निकालने के काम भी आते हैं, ठीक है। ये फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होती है, जो के जिसका ये प्रेजेंट कहाँ होती है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल का फ्लूइड होता है। और जब प्लांट का सेल मेच्योर हो जाता है, तो जो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, वो पानी एब्जॉर्ब करके एक बड़ा वैक्यूल बना लेते हैं। अच्छा, ये जो मैं भी एक लाइन बोल रही हूँ, इससे आपने पीछे मैंने आपको बताया, न्यूक्लियस में बताया था कि जो प्लांट सेल होता है ना, उसमें न्यूक्लियस साइड पे भी नजर आता है। किस लिए? क्योंकि वहां पर वैक्यूल्स ने उसको पुश किया होता है साइड पे। यहाँ वही बात आ गई, व्हेन अ प्लांट सेल मेच्योर, इट्स स्मॉल वैक्यूल एब्जॉर्ब वाटर एंड फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इन द सेंटर। इन द सेंटर फिर वो आ जाएंगे, तो फिर वो न्यूक्लियस को एक साइड पे कर देंगे। सेल इन दिस स्टेट बिकम स्टर्जिड। मेनी सेल टेक एन इन मटीरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल्स एंड देन डाइजेस्ट द मटीरियल विद द हेल्प ऑफ लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स की हेल्प से उस मटीरियल को वो डाइजेस्ट कर देंगे। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडीज, राइट। उसके बाद आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि आपने ये चीज लाजमी याद रखनी है कि कौन सी ऑर्गेनेलीज डबल मेम्ब्रेन है, कौन सी बाउंडेड है सिंगल मेम्ब्रेन, और किन के पास मेम्ब्रेन है ही नहीं। ये चीजें आपने इम्पॉर्टेंट जो है वो याद रखनी है, आपको पेपर में पूछी जा सकती है। अगर आपको वैक्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है ना, तो पहले आपने इनका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, फिर फंक्शन एक्सप्लेन करना है, इनकी हो सके तो आपने सर डायग्राम भी ड्रा कर देनी है, ठीक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, डिफरेंस करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का।